बता देंगे जाती है ना, मैं बता देता हूँ। हाँ, क्या जाति? धर्म भी उनका। हाँ। धर्म पता है आपको क्या है? क्या धर्म है? है उनका धर्म है देश और जाति है भारतीय। हाँ। तो इससे बड़ी क्या चीज है जो देश को धर्म मानता हो, इससे बड़ा क्या है? हाँ। और देश को जो धर्म मानता है, जब तो शहीद हुए श्रीमती इंदिरा गांधी और वो क्या नाम राजीव गांधी। हाँ। तो उनका धर्म है देश और जाति है भारतीय, तो इसमें क्या दिक्कत है? बता दी भारतीय, तू भारतीय नहीं तो बता, फिर से रिश्ता नहीं होगा उसका इनके परिवार के, तो कहीं ना कहीं देश का नक्सेज किया उन लोगों ने। आप ऐसे लोगों से भी जाति पूछने लगोगे तो मुझे लगता है आपके मानसिक जो दिवालियापन को दिखाता है कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो, और इनका इलाज होना चाहिए पागलखाने में इसका, अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से कहा है कि जाति क्या है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जाति की बात होती है या जाति उससे पूछी जाती है जब ये लगता है कि किसी के घर में कोई किसी की बहन कुंवारी बैठी हो या बुआ कुंवारी बैठी हो, तब जाति की बात करते हैं। और ये लगता है कि भाई अगर अनुराग ठाकुर में कोई घर में दीदी कुंवारी बैठी है या बुआ कुंवारी बैठी हो, राहुल गांधी कुंवार है तो इसलिए उन्होंने कहा वो जाति पूछ लियो रिश्ता का। मगर ये चीज़ें भाई लोकसभा के अंदर कहाँ सदन में नहीं की जाती हैं। अगर आपको जाति पूछनी थी या रिश्ता ही करने वाली बात है तो सोनिया गांधी से बात की होती, तो इसलिए राहुल गांधी को भी गुस्सा आना नेचुरल सी बात है। उन्होंने तो इसलिए पूछा कि राहुल गांधी हर जगह जाते हैं तो उनकी जाति पूछते हैं कि भैया आप ओबीसी के हो या कौन सी जाति के हो। हाँ, तो पूछेंगे भाई, जब लोकतंत्र में संविधान में इनको अधिकार दिए हैं तो भाई वो एक लीडर हैं, एक बड़े परिवार के हैं, और इनके परिवार के लोगों ने शहादत दी है, कहीं ना कहीं आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं, शहीद हुए हैं, चाहे कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, दोनों प्रधानमंत्री थे इनके परिवार के, तो कहीं ना कहीं देश का नेतृत्व किया है उन लोगों ने। आप ऐसे लोगों से भी जाति पूछने लगोगे तो मुझे लगता है ये आपके मानसिक जो दिवालियापन को दिखाता है कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो, और इनका इलाज होना चाहिए पागलखाने में इसका, अनुराग ठाकुर का। समझे नहीं? पागलखाने क्यों, जब क्यों नहीं जाति पूछी इसने? या मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार करा कि कौन लोग थे वो जिन्होंने बलात्कार करा मनीषा वाल्मीकि का, और कौन लोग थे वो जो वहां पर उन्नाव कांड किया जिसने कुलदीप सिंह सेंगर किस जाति का था, और कौन था वो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का शोषण करने वाला ब्रजभूषण सिंह, वो कौन जाति का था बताया अनुराग ठाकुर? है अपने गिरमान में झांक के देखे आसमान की ओर थूकेगा तो मुंह पे पड़ेगा, तेरे मुंह पे गिरा थूक इतना बड़ा समझे, और पीता है तू मूत समझे, वो भी गाय का। लेकिन इस बात का सपोर्ट बीजेपी के नेता कर रहे, कई नेता कह रहे कि भाई सही है राहुल गांधी अपनी जाति क्यों नहीं बता रहे हैं। हाँ, तो जाति बता देंगे, जाति है ना, मैं बता देता हूँ। हाँ, क्या जाति? धर्म भी उनका। हाँ। धर्म पता है आपको क्या है? क्या धर्म है? उनका धर्म है देश और जाति है भारतीय। हाँ। तो इससे बड़ी क्या चीज है जो देश को धर्म मानता हो, इससे बड़ा क्या है? हाँ। और देश को जो धर्म मानता है, जब तो शहीद हुए श्रीमती इंदिरा गांधी और वो क्या नाम राजीव गांधी। हाँ। तो उनका धर्म है देश और जाति है भारतीय, तो इसमें क्या दिक्कत है? बता दी भारतीय, तू भारतीय नहीं तो बता, फिर से रिश्ता नहीं होगा उसका। जाति जनगणना तो होनी चाहिए पूरे देश के अंदर, तो जाति पूछ के तू अपनी जाति बताना, जाति जनगणना करा ले। ठाकुर है अनुराग ठाकुर? कौन ठाकुर? का ठाकुर बाप को लगाता धूमल, वो कौन है धूमल? काका मल धूमल समझे, और कुछ ठाकुर। हाँ। अबे तो ये पता ना, वो धूमल तू ठाकुर है और खुद और लिख देगा कल तू, तो ये पहले बता तू अपने बाप, बाप का नाम लगाता ना। हाँ। सरनेम, जब बाप का नाम सरनेम नहीं लगा रहा तू तो पे ये तो मोदी की तरह है, ये भी मोदी की तरह। कैसे? हाँ, जैसे वो अपनी माँ को लाइन में लगा देते हैं नोटबंदी के दौरान। हाँ। मेरी माँ देखो कैसे लगती है। हाँ। नोटबंदी के दौरान, और जब माँ थी और जब खत्म हो गई तो माँ को डिनाई कर दिया कि माँ से पैदा ही नहीं हूँ मैं, तो इतना मतलब ही है। मोदी जी तो ओबीसी है ना? क्या सबसे बड़े ओबीसी? कहाँ का वो, कौन है ओबीसी? मोदी जी कहीं ना ओबीसी, ओबीसी होता 10% आरक्षण किसको दिया? ये कौन है इसके? अरे खुद मोदी जी ने कहा था मैं सबसे बड़ा ओबीसी। कहीं ना ओबीसी इसके कहने से हो जाएगा? ये तो कहता सबसे बड़ा, मैं आदमी चाहे भी प्रकट हुआ हूँ, मैं विष्णु का अवतार हूँ। हाँ। तो मान लेगा कोई इसे? हाँ। है तो कोई नहीं मानता इसे, तो ये विष्णु का अवतार है, प्रधानमंत्री है। हाँ। तो कोई नहीं, प्रधानमंत्री है ये, अंबानी का प्रधानमंत्री है, अंबानी के लिए ऐड किया है जियो के लिए, और यही वजह है कि बीएसएनएल को ठप दिया, ठप्पा लगा दिया उसको, रुका दिया, रुक गया पूरा का पूरा बीएसएनएल समझे, एमटीएनएल खत्म करा इसने। हाँ। उसके नेटवर्किंग पार बस सब इसको दे दीजिए को। हाँ। है, और इसलिए दिक्कत है हमारे सरकारी संस्थान पे जो संचार विभाग का था। हाँ। बीएसएनएल उसको खत्म किया, ये सरकारी जो महकमे थे सबको बेचने का काम मोदी ने करा, तो जो सरकार का माल बेचता है इसका मतलब क्या है? सरकार का किसका माल है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, पूरे देश की प्रॉपर्टी है, समझे नहीं? ये सरकारी देशवासियों की प्रॉपर्टी है, देशवासियों की प्रॉपर्टी को जो प्राइवेटकरण कर रहा हो, कुछ गिने चुने अपने मित्रों को दे रहा हो, तो क्या होगा देश का? जब कोई चीज घाटे में जाएगी तभी तो प्राइवेट। कौन से घाटे में कहा जाएगी भाई? हाँ। घाटे में आप बताओ, अम्बानी अडानी को इतना कर्ज दे रखा है इसने, और पूरा भारत ने कितना कर्ज दे रखा है, और इतना कर्ज अगर वापस ले लिया जाए ना तो इसकी चमड़ी भी नहीं बचेगी, समझे नहीं? और कहता है भाई मेरे बेटे की शादी है, मैं भिखमंगा हूँ, थोड़े पैसे पैसे चाहिए, तो जियो का सिम में बढ़ा दूँ, बढ़ा दिया,
है तो उसकी 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 शादी कर दी, मतलब जनता के गरीबों के पैसे से शादी हुई है इसके बेटे की, और पूरा कर्जा देख लिया जाए तो भाई का टोरा हाथ में आ जाएगा इसके अम्बानी डानी दोनों के। हाँ, अगर भारत सरकार उसे क्या लग रहा है, एक तरफ योगी जी का फरमान आया था नेम प्लेट वाला, लेकिन अब अनुराग ठाकुर ने ऐसी बात की, क्या लग रहा है? कुछ भी कह सकते हैं, एक वो भी थी, एक वो भी है जो टंगना उठावत है, कंगना रनावत, नाम ठीक से ले क्या भाई, टंगना उठावत टांग टांग तो उठा के डांस करती थी, तो टंगना उठावत है समझ रहे, वो कह रही थी ये चर्सी है, कौन चर्सी है, राहुल गांधी के लिए कह रही है, तो अरे मैडम इसका औरत का कोई पता है, चर्सी कह रही है, कल कह देगी ठरकी है, हाँ। फिर क्या करोगे, हाँ। ये कोई पता नहीं है इसका, वो तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि कौन सी कौन भाई, अभी तो उसका हाल नहीं देख रहे हो, स्मृति ईरानी का क्या हुआ, लाइन किसका, ये फिर से हो गई है, फिर सी बम हो गया है, मोटा तो बम बनाया, सुतली बम सी हो गई थी है, वो फिर से हो गया, किसी काम का नहीं है, फिर चला गया कुरकुरे खाने, कुरकुरे खा रहा आजकल, हाँ समझे, पाँच रुपए वाला, हाँ पाँच रुपए वाला, हाँ नन्नी मुन्नी बच्ची हो गई है, कुरकुरा खाती है, मुरमुरा भी खाएगी। कंगना रनावत तो सही कह रही है ना भाई, चेक करा लेना चाहिए अगर सवाल उठा रही है, कौन सी क्या चेक करा, वो गजेड़ी है खुद है ये अब्बू सलेम के 2014 से पहले, समझे नहीं, अब्बू सलेम के साथ बिस्की शेयर करती थी, पीती थी, तब कहाँ गई थी, तू कौन है, पीने वाली क्या नाम है, बिस्की बिस्की पीती है, तब कोई अपनी बात नहीं बताएगी, उन्होंने कहा था पहले करती थी अब नहीं करती, कुछ भी पहले करती थी, पहले मतलब खाती पीती थी, अब हाँ पहले जो कत्ल किए तो तू इस बार बिल्कुल साफ दामन वाली हो गई, ऐसे कि कत्ल कराई होगी तू पहले, तो कत्ल कहते मैं पहले कत्ल किए थे, अब नहीं करना। इस बात के बाद कंगना रनावत का एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो अभी जब रोजे चल रहे थे तो उसमें अपने मुस्लिम फ्रेंड के घर खाना खाती हुई नजर आ, हाँ तो खाएगी नहीं वो, वो उस खाएगी, कुछ भी खा सकती है, उसकी मर्जी है, तो राष्ट्रवादी महिला ऐसी, हाँ राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र को बर्बाद करने वाली है, यही वजह है कि देश की जो भारत माता है, जो किसान माता है, उनको कह रही थी 50 और 100 रुपए में बिकती है, तभी दिया ना कान के नीचे खस, 50 नहीं बोला 100 और 500, हाँ ढस से मारा उसके मुंह, हो गया सुन्न, हाँ। और आएगी फुन्न सी, समझे नहीं, ये हालत है इसकी, हाँ। है तो इसका चिल्ला रही कले आतंकवादी है, हाँ तू ही एक राष्ट्रवादी है, समझे नहीं, और अपनी नहीं बताती कितने में बिकी है, समझे, हर जगह बिकती है, हर चैनल पे, वो टीवी फिल्म में काम कर रही, बताओ चुम्मे तक के पैसे लेती है, चुम्मा, अरे मैडम चुम्मा देती है वो उनका काम है, क्यों इमरान हाशमी को देती है, इमरान हाशमी लिप्स टू लिप्स वो उनका काम है, क्यों अभिनेत्री, अच्छा ये काम है, चुम्मे के पैसे नहीं लिए थे ये बताओ, वो उनका काम है, काम पे सवाल ना, अच्छा तो ये चीज ठीक है, आपका कहने का मतलब है आप फिल्म में काम करिए, चुम्मा लीजिए, स्वागतात मनाइए, काम है, और बिकनी में घूमिए, समझे, ये हमारे संस्कृति, ये देश नहीं चलेगा चिलमची और फिल्मची से, या तो चिलम वाले हैं या फिल्म वाले हैं।